Good morning, everyone. Uh, I'm Dr. Rajkumar, Assistant Professor School of Agriculture Science. Today I am delivering a lecture on aesthetics of basic animal husbandry. And uh, in previous lectures, I delivered introduction of animal husbandry and uh, classification of different types of animals and population of animals. एंड टूडे वी स्टडी बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टैटिस्टिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री तो बेसिकली वी नो अबाउट डॉक्टर बर्गीज कुरियन विज द फादर ऑफ वाइट रिबुलेश्ड इंडिया मिल्क मैं तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारे बहुत ही डायनामिकसन्स जिन्होंने इंडिया को पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो पहचान दिलाई है आज हम फर्स्ट प्लेस पर जो इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में है वो इन्हीं की देन है तो स्टोरी ऑफ द मैन बिहाइंड इंडिया वाइट रिवोल्यूशंस दिट कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड तो ऑपरेशन फ्लड पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस पर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसका डेटा प्रोड्यूस करती है एवरी ईयर्स इट इज अ न्यूली फॉर मिनिस्ट्री इन मई ट्वेंटीन थाउजेंड नाइनटीन बाई प्रजेंट गवर्नमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सेम नेम ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इट कंसिस्ट ऑफ टू डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग

कृषि भवन न्यू दिल्ली एंड सेकेंड श्री परसोत्तम रूपाला हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड डॉक्टर संजीव कुमार बालियान हॉनेबल हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग एंड एल मुरजान ओनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेरिंग एंड नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द पिलर्स द श्री धर्मपाल सिंह ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ़ एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रजनीश दुबे आई ए एस सेक्रेटरी एनिमल हजबेंड्री एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एज यू नो फॉर विश एंड एज द नॉलेज अपेडा अपेडा एजेंसी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली एंड एम पी ई डी ए मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कोचिंग्स द यूनियन मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी आर श्री अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स न्यूली अपॉइंटमेंट एंड श्री कैलाश चौधरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कुमारी शोभा करंजले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स एंड डॉक्टर हिमांशु पाठक सेक्रेटरी डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी आर इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स सी एनिमल प्रोडक्ट्स प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल एनिमल प्रोडक्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया इट इज अ रिच सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी एनिमल प्रोडक्ट्स अच्छा मिल्क मीट एंड एग्स इंडिया हैज इमर्ज्ड इंडिया हैज इमर्ज्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क विद ए ट्वेंटी फोर परसेंट शेयर एंड टोटल मिल्क प्रोडक्शंस in the world in 2000 in 2022 and 23 export of animal products represent a significant contribution to the Indian agriculture sectors the export of animal products includes buffalo meat sheep goat meat poultry products animal cajuns मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड हनी भी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एनिमल प्रोडक्ट्स फ्री केंसी इन इमेज इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ मेल प्रोडक्शंस एग मीट एंड बूल प्रोडक्शन्स मेजरली फोर प्रोडक्ट्स जो ज़्यादातर इंडिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ये एक मेन प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स से जो हमें लाइव स्टॉक के थ्रू मिलते हैं मिल्क मीट एग एंड बूल द डिमांड फॉर इंडियन बफेलो मीट इन द इंटरनेशनल मार्केट हैज स्पार्क एज अ सडन इनक्रीज इन मीट एक्सपोर्ट तो आज मीट एक्सपोर्ट में भी हम लोग आगे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे क्योंकि इसकी जो मीट है मीट में जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या मीट की बात करें तो मीट एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं या एमिनो एसिड हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो डिमांड फॉर इंडियन बफेलो मीट इन द इंटरनेशनल मार्केट हैज एक्सपायर हैज एक्सपर्ड एज सडन इंक्रीज इन मीट एक्सपोर्ट बफेलो मीट है द एक्सपोर्ट विद कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट इन टोटल एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री द मैन मार्केट्स फॉर इंडियन बफेलो मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स आर मलेशिया वियतनाम्स सोशल रिपब्लिक इजिप्ट अरब रिपब्लिक इंडोनेशिया एंड यू ई दिन कंट्री फॉर मीट एक्सपोर्ट ये मीट एक्सपोर्ट के लिए एक मेन कंट्री है जहाँ पर हम बफेलो के मीट का एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा मीट इंडिया से इन्हीं कंट्री के लिए जाता है तो लाइव स्टॉक सेंसेस फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसेस हेल्ड इन 1919 एंड आफ्टर दैट एवरी फाइव इयर्स एवरी फाइव इयर्स लाइव स्टॉक सेंसेस हेल्ड तो हर पाँच साल में ये इसका जो डेटा है एनिमल हस्बेंड्री का लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का प्रोडक्शन का तो एवरी ईयर आता है लेकिन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है जो लाइव स्टॉक सेंसेस है उसका हर पाँच साल में एक बार डेटा आ जाता है तो अभी जो डेटा है हमारे पास पॉपुलेशन का जो एनिमल्स लाइफ स्टॉक सेंसस का टू थाउजेंड एटीन एंड नाइनटीन में जो ट्वेंटींथ लाइव स्टॉक सेंसस था तो ऑल इंडिया लाइव स्टॉक सेंसस इज कैरीड आउट एट एन इंटरवल ऑफ फाइव ईयर्स द ट्वेंटींथ लाइव स्टॉक सेंसस वाज लॉन्च ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर टू For the first time, livestock censuses were collected online in 20th livestock census. So, 20th livestock census mein first time में mein ye jo में ये जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का जो डेटा कलेक्ट किया गया था वो ऑनलाइन किया गया था एक टेबलेट के थ्रू किया गया था टैबलेट कंप्यूटर का जिसमें यूज किया गया था पहले मैनुअली जाते थे गांव में और वहाँ से एनिमल्स के जो ऑनर होते हैं उनके पास जाके करते थे लेकिन इस बार ऑनलाइन टैबलेट कंप्यूटर के थ्रू ये डेटा कलेक्ट किया गया है तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया इन दिस टाइम एज पर लाइव स्टॉक सेंसेस इंडिया वर्ल्ड हाइस्ट लाइव स्टॉक ऑनर एट अबाउट फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स मिलियंस इनक्रीज ऑफ फोर पॉइंट सिक्स ओवर प्रीवियस लाइव स्टॉक सेंसेस टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड वी कैन से नाइनटीन लाइव स्टॉक सेंसेस

27.74% and pig also 1.69% and others 0.23%. this is the percentage distribution of total livestock in india as per 20th livestock census. in next slides you can see the total livestock and poultry population during 2012 and 2019 then this you can see in tables format that exact population as per 20th livestock census cattle population 190.90 millions numbers in 19th livestock census held in 2012 and in 20th livestock census two thousand nineteen the population of cattle 193.46 millions.

तो जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन्स टोटल बोवाइंस इंक्लूडिंग कैटल बफेलो याक मिथुन्स तो टोटल पॉपुलेशन इज टू था मिलियंस इन नाइनटींथ लाइव स्टॉक सेंसेस एंड ट्वेंटींथ लाइव स्टॉक सेंसेस इंक्रीज टू 303.76 परसेंट एंड ग्रोथ रेट इन एवरेज 1.26 परसेंट एंड सीप other than bovines, sheep goat pigs other animals and sheep also 60.65.07 and 74.26 millions in 2019 and growth rate is 14.12% and goat 135.17 millions in 2012 when ट्वेंटी लाइफ स्टॉकिसन फोर्टी एट पॉइंट एट एट मिलियन ग्रोथ रेट एज टेन पॉइंट वन फोर परसेंट पिक्स पिक में यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुई है इसी तरह से अदर एनिमल्स में भी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो नहीं है इनक्रीज नहीं हुई है या तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है टोटल लाइफ स्टॉक में तो टोटल लाइव स्टॉक है इंडिया के अंदर Five hundred one, five hundred twelve point zero six millions in two thousand twelve, and five hundred thirty six point seven six millions in two thousand nineteen, and growth rate and average total livestock four point eight two percent, and poultry seven hundred twenty nine point two one millions, and in twentieth livestock eight hundred. 51.81 millions and growth rate is 16.81 percent livestock productions the production including bull milk meat and eggs the major product of animals there are four major livestock products milk meat egg and bull इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे आई एस एस एज द ओनली स्कीम थ्रू विच कंसिडर कंसिडरेबल डेटा पर्टिकुलरली ऑन द प्रोडक्शन एस्टिमेट ऑफ मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स मिल्क मीट एग एंड बूल इज बींग जनरेटेड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेस इन द लाइव स्टॉक सेक्टर्स दस सर्वे मैथडोलॉजी ऑफी इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे इज डिजाइंड बाई आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीआर आईएएसआरआई आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वी सी इन इन दिस स्लाइड मिल्क प्रोडक्शन तो वॉट इज मिल्क प्रोडक्शन सिनेरियो इन इंडिया एंड बर्ड तो वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन रफली एट्टी वन परसेंट मिल्क फिफ्टीन परसेंट ऑफ अफेलो मिल्क एंड फोर परसेंट और गोट सीप एंड कैमिल मिल्क इंक्रीज बाई वन पॉइंट वन परसेंट टू अबाउट एट हंड्रेड एट्टी सेवन मिलियन टन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑफ वर्ल्ड तो वर्ल्ड लेवल का सिनेरियो है तो वर्ल्ड लेवल में हम देखते हैं कि काव का जो मिल्क प्रोडक्शन है जो वेरी हाई कौज जो बफेलो है वो दूसरी कंट्री में नहीं पाई जाती है एशियन कंट्री हैं उन्हीं में बफेलो की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर तो मोर देन फिफ्टी परसेंट कैन से फिफ्टी सेवन परसेंट बफेलो फाउंड इन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटिंग ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शंस तो आज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री में ट्वेंटी थ्री का डेटा है तो उसमें हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो शेयर कर रहा है इंडिया पूरे वर्ल्ड में वो ट्वेंटी फोर परसेंट मिल्क का शेयर है पूरे ग्लोबल में इन इंडिया अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड ऑन फार्म फार्म लेवल पर ही देखा जाए तो फिफ्टी परसेंट मिल्क कंज्यूम होता है and in next slide you see in graph total milk productions milk production and per capita availability of milk in all india is a data from 2016 17 to and 2022 and 23. So, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आल्सो इंक्रीज इन 2022 एंड 29 द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिया इज 459 ग्राम 459 हंड्रेड फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन ग्राम ये पर कैपिटा पर पर्सन है इस अवेलेबल है ओके okay? तो फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन ग्राम मिल्क अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन बट रिकमेंडेशन और आईसीएमआर एज टू एट्टी ग्राम टू एट्टी ग्राम पर पर्सन एज पर आईसी एम आर आई सी एम आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू एट्टी ग्राम तो आईसीएमआर कहता है कि हमें पर डे 280 ग्राम मिल्क लेना चाहिए लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है लगभग टू टाइम्स है 459 ग्राम्स अवेलेबल है एंड नेक्स्ट इज मिल्क प्रोडक्शंस इन 2016-17 160.40 मिलियंस एंड नाउ इन 2022 एंड 23 230.58 मिलियन टन मिलियन टन एंड 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो सेवन मिलियन टन तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन है वो डे बाई डे बढ़ रहा है और इस तरह से हम लोग आज जो हमारा अचीवमेंट है पूरे इंडिया का वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं मिल्क प्रोडक्शन में और आगे इसी तरह से रहेगा तो ये मिल्क प्रोडक्शन डे बाई डे बढ़ता रहेगा तो

सेकेंड राजस्थान थर्ड हरियाणा एंड फोर्थ आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो फोर ट्वेंटी सिक्स ग्राम दिस द इस्कोप पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ इन डिफरेंट स्टेट्स तो हाइएस्ट पर कैपिटल अवेलेबिलिटी इन पंजाब टॉप फाइव या जितने भी हमारे स्टेट है उस स्टेट में टॉप पर आता है पंजाब पर कैपिटल अवेलेबिलिटी इंडिया में फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन मिलियन सॉरी ग्राम सी हियर द परसेंटेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग से फ्रॉम डिफरेंट वेरियस एनिमल्स हैं यहाँ पर तो स्पीसीज वाइज मिल्क कंट्रीब्यूशन है इन इंडिया में 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी में बफेलो इंडिजीनियस बफेलो हैं उनका है 31.94 परसेंट बफेलो नॉन डिस्क्रिप्ट 12.87 परसेंट गोट गोट इन दिस इंक्लूड सीप एंड कैमिल आल्सो 3.30 पॉइंट थ्री जीरो परसेंट काओ एक्जोटिक काओ वन 6% only cross breed cow, a very high contribution of cross breed cow 29.81%. And indigenous cow is very low, 10.73%, cow non-descript 9.151%. The species by species by make contribution in India. एवरेज रेट यील्ड रेट ऑफ काओ इन इंडिया तो एवरेज जो रेट है हमारे देश में बहुत कम है इंडिया की वो सॉरी काउ की इंडिया के अंदर देखते हैं एवरेज यील्ड रेट ऑफ कैटल्स कितना है तो यहाँ देखते हैं कि जो रेड रेड जो पिलर शो कलर शो कर रहा है यहाँ पर नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स जो हमारे देसी ब्रीड हैं जो देसी ब्रीड है प्योर देसी है प्योर इंडिजीनस ब्रीड है और एन ब्लू कलर इंडिकेटेड एक्जोटिक एंड क्रॉस ब्रीड्स तो देखते हैं कि आप क्रॉसब्रीड काउ है या जो हमारी एक्जोटिक का है उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है पर एनिमल्स एवरेज पर एनिमल्स एवरेज ये है हाईएस्ट एन का एट पॉइंट फाइव फाइव एट के जी पॉइंट फाइव फाइव ग्राम पर डे का है जबकि जो इंडिजिनस काव है उनका मिल्क प्रोडक्शन वेरी लो इन ग्राफ सो दैट द मिल्क इफ एक्जोटिक क्रॉसब्रीड काउ रिपोर्टेड 8.55 पॉइंट के जी पर काउ पर डे ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड इंडिजीनियस एंड नॉन डिस्क्रिप्ट का सो थ्री पॉइंट फोर फोर के जी पर डे इज वेरी लो मिल्क प्रोडक्शन वाई इंडिजीनियस का हो स्टेट वाईज शेयर मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो प्रोडक्शन के मामले में मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट फर्स्ट प्लेस पर आता है ये टॉप फाइव मेजर जो मेजर स्टेट्स हैं में देखते हैं हम तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो उत्तर प्रदेश इन फर्स्ट प्लेस फिफ्टीन पॉइंट टू परसेंट सेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया एंड सेकेंड राजस्थान फोरटीन पॉइंट फोर फोर परसेंट फ्टर दैट मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश इज द टॉप फाइव स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग हाइस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इन इंडिया तो राजस्थान एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू में देखा था राजस्थान फर्स्ट प्लेस पर था जो आज फिर सेकेंड प्लेस पर पहुँच गया है यूपी फिर से दोबारा से ये फर्स्ट प्लेस पर आ गया है इसमें पहले अभी हमारा जो डेटा था ट्वेंटी वन का उसमें राजस्थान फर्स्ट प्लेस पर चल रहा था लेकिन राजस्थान आज फिर फिसल कर सेकेंड प्लेस पर पहुंच गया और यूपी फिर से सेकेंड प्लेस पर आ गया मीट प्रोडक्शन स्टडी मीट प्रोडक्शन द टोटल मीट प्रोडक्शन इन द कंट्री टोटल मीट प्रोडक्शन इन द कंट्री नाइन पॉइंट सेवन सेवन मिलियंस ड्यूरिंग present years india ranks eight in the world in terms of total meat production source f a o the meat production has increased by 5.13 pre, uh, over previous year as compared to previous year 2021 and 2022. the meat production from poultry is 4.995 millions of tons contributing about 51.5 four percent of total meat production in India. The growth of poultry meat production has increased 4.52% over previous census, previous year. The parameters animal foodage consists is considered as good source of quality nutrients, fat, proteins, carbohydrates, and minerals. डाइजस्टिविलिटी ऑफ एनिमल्स सोर्स प्रोटीन एज नाइनटीन टू नाइनटी सेवन परसेंट वाइल वेजिटेबल ओरिजन्स प्रोटीन्स है सेवेंटी फाइव टू नाइन्टी नाइन परसेंट ये आप देख रहे हैं कि डाइजेस्टिविलिटी है तो डायजेस्टिविलिटी है जो एनिमल्स सोर्सेस प्रोटीन्स है उनके अंदर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वेजिटेबल प्रोटीन्स होगा प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजन्स आर मोर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिशनली सुपीरियर दैन दूस और प्लान्टरिजन्स तो प्लांट ओरिजिन या वेजिटेटिप ओरिजिन के कंपेयर्ड में देखा जाए तो एनिमल प्रोटीन्स ज़्यादा बेनिफिशियल है प्लांट ओरिजिन प्रोटीन्स आर डेफिशियंट एट लीस्ट वन और मोर असेंशियल एमिनो एसिड्स फॉर एग्जाम्पल समल्स एंड लाइसिन एंड लेग्यूम्स एन मीथियो बट द एनिमल्स प्रोटीन्स कंटेंस ऑल असेंशियल एमिनो एसिड्स जिसका पैरामीटर्स animal proteins and plant proteins. the parameter protein digestibility corrected amino acid scores protein efficiency ratio and biological value. so the, the biological value, these are parameters. So protein digestibility corrected amino acid score and, and animal proteins is 0.9 to 1 percent and plant, plant proteins 0 0.42. 2.70% and protein efficiency ratio 3 to 4 in animal proteins and plant proteins also 1.5 to 2.6% and biological value is highest in animal protein 74 to 94 and plant proteins has low 65 to 73%. the graph see in graph the प्रोडक्शन एंड पर कैपिटेबिलिटी ऑफ मीट इन इंडिया तो पर कैपिटा अवेलेबलिटी इन बिलो सॉरी ब्लू लाइंस मीट प्रोडक्शंस इन मिलियन टन्स एंड रेड लाइंस पर कैपिटावेबिलिटी अवेलेबिलिटी के जी पर एनम्स कैंसिल तो प्रोडक्शन मीट का नाइन पॉइंट सेवन सेवन मिलियन टन्स हैं जबकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंडिया में सेवन पॉइंट वन जीरो per 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 के जी है वन जीरो के जी ओनली एन एम पर एन एम नॉट पर एन एम परसन पर एन एम एक ईयर में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जो मीट आ रहा है वो कितना आ रहा है सेवन पॉइंट वन जीरो के जी वेरी लो एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आई सी एम आर आई सी एम आर की अगर आकर देखें तो कहता है कि हमें ये जो रिकमेंडेशन है हमारी वो ज़्यादा है अबाउट एलेवन के जी है जबकि जो अवेलेबिलिटी है वो ओनली सेवन के जी है इस पीसीज मीट कंट्रीब्यूशन इन इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री कैन सी इन कलर इन ग्राफ कैटल तो हाइस्ट प्रोडक्शन ऑफ मीट बाई पोल्ट्री फिफ्टी वन पॉइंट वन फोर परसेंट एंड देन कैटल 2.43 percent, then buffalo 17.61 percent, sheep 10.51 percent, goat 14.47 percent, and pig 3.85 percent. The ratio is the graph, so the ratio of uh, contribution of meat is species wise. In graph, the percentage share of 15 major मेजर मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री तो हाइएस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज टॉफ इज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इन टॉप प्लेस ट्वेल्व पॉइंट टू जीरो परसेंट दैन वेस्ट बंगाल देन महाराष्ट्र एन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तो उत्तर प्रदेश इन हाइएस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री एंड देन वेस्ट बंगाल 11.93, महाराष्ट्र 11.50, आंध्र प्रदेश 11.20, पॉइंट एंड तेलंगाना 11.06 परसेंट शेयर है इतना शेयर है के अंदर तो उत्तर प्रदेश 12.20 परसेंट वेस्ट बंगाल एलेवेन परसेंट तो इतना शेयर है कंट्रीब्यूशन का जो टॉप फाइव मेजर स्टेट्स हैं इन इंडिया तो सबसे ज़्यादा जो मीट का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ से हो रहा है सी इन ग्राफ मीट टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन सेलेक्टेड स्टेट्स तो के सी कलर वाइज एंड ब्लू शो द डेट ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन्स रेड नाइनटीन ट्वेंटी ग्रीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ब्लैक ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ब्लू ट्वेंटी टू टैन ट्वेंटी थ्री तो ये टू थाउजेंड नाइन से टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो डेटा है स्टेट वाइज दिया गया है यहाँ पर तो वेस्ट बंगाल देख रहे हैं आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ से ज़्यादातर मीट का प्रोडक्शन होता है इसी ईयर तो ब्लू लाइन में देखेंगे यहाँ पर टू थाउजेंड एट नाइन में वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का मीट प्रोडक्शन ये था जबकि हाईएस्ट यहाँ पर दिखा रहा है ब्लू लाइंस टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन में उत्तर प्रदेश तो ये ईयर वाइज है किस किस ईयर में कितना मीट प्रोडक्शन था स्टेट वाइज नी स्टेटी एग प्रोडक्शंस द टोटल एग प्रोडक्शंस, द टोटल एग प्रोडक्शंस पढ़ेंगे अभी यहाँ पर हम कितना हमारे देश में कितनी पोल्ट्री पॉपुलेशन है और उसे कितना एग प्रोडक्शन हो रहा है अभी तक हमने आ, जो प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था मीट प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शंस बट नाउ वी स्टडी एग प्रोडक्शंस द टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन इन अवर कंट्री एट फिफ्टी वन पॉइंट एट मिलियंस एज पर ट्वेंटी लाइव स्टॉक सेंसेस द ग्लोबल या टोटल एग प्रोडक्शन इन द कंट्री एज वन थर्टी एट पॉइंट थ्री एट मिलियन नंबर्स ड्यूरिंग

पर पर्सन अवेलेबिलिटी है वन हंड्रेड वन एग है जो कि आई सी एम आर कहता है कि हमें वन एट्टी एग वन एट्टी एग पर ईयर लेना चाहिए पर per पर्सन को लेकिन यहाँ भी हम बहुत काफ़ी पीछे हैं अभी ओके okay? तो यहाँ भी काफ़ी पीछे हैं लगभग हमें यहाँ पर जो वन फोर्थ एग हमारे शेयर कर रहा है जबकि हमें वन हाफ एग की ज़रूरत है पर डे

की जो रिकमेंडेशन है वो वन एग वन एग पर एनम, पर एनम, पर पर्सन पर पर्सन वन एग पर पर्सन है जो एक रिकमेंडेशन है आईसीएमआर की जो हमारे अंदर प्रोटीन्स की जो कमी है बॉडी के अंदर वो पूरी करता है कम से कम हमें आधा एग पर डे लेना चाहिए लेकिन सभी तो नहीं ले सकते क्योंकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इशू आता है ना तो नॉन वेजिटेरियन है वो तो नहीं लेंगे सॉरी वो मीट और एग का यूज करते हैं जो वेजिटेरियन पर्सन है वो नहीं करते उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन है हमारे पास हमें जो प्रोटीन्स जिन वेजिटेबल्स जो प्लांट ऑरिजिन हमें या मिल्क से अपनी प्रोटीन्स को पूरा करते हैं स्पीसीज बाय ए कंट्रीब्यूशन इन कंट्री देसी फाउल इम्प्रूव फाउल देसी डक एंड इम्प्रूव डक तो टू टाइप से यूज किया जाए डक का यूज करते हैं और दूसरा पोल्ट्री का फाउल मींस पोल्ट्री फाउल मीन्स होता है पोल्ट्री यहां फॉल्स का मतलब है फाउल मींस पोल्ट्री या हैन हैन फाउल मींस हैन कह सकते हैं इसको तो देसी डक पॉइंट सेवन फोर परसेंट इंप्रूव डक पॉइंट वन टू परसेंट देसी फाउल हमारे देसी जो ब्रीड हैं देसी फाउल जो देसी ब्रीड है उनसे टेन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट इम्प्रूव फाउन जो क्रॉस ब्रीड और जो इंडिया के अंदर जो क्रॉस ब्रीड है और एग्जॉटिक ब्रीड है जिन्हें इम्प्रूवड ब्रीड कहा जा रहा है जो किसी दो ब्रीड से बना के उसको क्रॉस करके एक नई ब्रीड तैयार की जा रही है जो इम्प्रूव वो इम्प्रूवड ब्रीड है और इम्प्रूव ब्रीड का जो एग प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट होता है तो पर इंडिया में देखा जाए तो हाईएस्ट एग प्रोड्यूस हाइएस्ट एग प्रोड्यूसिंग हैं वाइट लेग ऑन की है वाइट लेग हॉर्न इसका सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करती है इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में परसेंटेज़ शेयर ऑफ एग प्रोडक्शन ऑफ़ फिफ्टीन मेजर एग प्रोड्यूसिंग फॉर द इजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री तो आंध्र प्रदेश हैज़ टॉप इन फाइव. वन मिनट एक. आंध्र प्रदेश Uh, this is the top top states in the in india producing egg andhra pradesh has highest egg producing state is a share 20.13 20 20 percent 20.13 percent egg producing states on the and tamil nadu also tamil nadu in second place 15.58 percent telangana is third place 12.77, best Bengal in fourth place, 9.93, and Karnataka also fifth place, 6.15%. So, you first, second, third place, fourth, and fifth. These are five major states, producing highest egg producing states in India. And the place, they together contributes the five states. These are five states. Contributes 64.93 percent of total egg production in the country these only 5 states contributing 64.93 percent of total egg in the country. The total egg production from commercial poultry age, commercial poultry houses I want say 118.16 billion numbers and backyard poultry are 20.20 .20 million numbers contributing. एट्टी फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट एंड फोर्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो परसेंट और टोटल प्रोड्यूसिंग तो जो हमारी कॉमर्शियल एग प्रसिंग प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हैं जिन्होंने जो कॉमर्शियलाइज इसको किया है जो कॉमर्शियल इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से जो एग प्रोडक्शन हो रहा है वो एट्टी फाइव पॉइंट फोर जीरो परसेंट एंड बैकआर पोल्ट्री फार्मर बैकअर पोल्ट्री फार्म मीनस है जो हम अपने घर के आसपास पोल्ट्री को पाल लेते हैं या कोई भी किसान है फार्मर हैं या जो पुअर फैमिली है वो अपने आस पास दस पंद्रह पोल्ट्री को रख के उनका यूज करते हैं उनको उनके एग और मीट का यूज करते हैं वो बैक यार्ड फार्म कर रहे थे तो हम छोटे लेवल पर जो फार्मिंग करते हैं जहाँ हम, हम सौ दो सौ मुर्गी को एक साथ रखना हज़ार मुर्गी को एक साथ रख लेना वो कॉमर्शिला यूज नहीं है हम अपने घर के आसपास कहीं भी फैंस लगा के उसको यूज कर लेते हैं तो बैक यार्ड पोल्ट्री फार्म एयर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन टू ट्वेंटी थ्री इज द रेशियो या तो आंध्र प्रदेश ऑल्सो फर्स्ट प्लेस पे ही आता है दैट तमिलनाडु तेलंगाना वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका तो ड्यूरिंग टू थाउजेंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी द इंक्रीज ऑफ एग प्रोडक्शंस तो आंध्र प्रदेश इज हाइएस्ट फ्रॉम नाइनटीन एंड ट्वेंटी थ्री ऑल्सो तो देख रहे हैं यहाँ पर ट्वेंटी थ्री से दो हजार अठारह से लेकर और दो हजार तेईस तक आंध्र प्रदेश है, फर्स्ट प्लेस पर ही है एग प्रोडक्शन में उसके बाद तमिलनाडु है इस्टेट वाइज पर कैपिटेबलिटी ऑफ एग तो आंध्र प्रदेश ऑल्सो इन फर्स्ट प्लेस इन एग प्रोडक्शन एंड ऑल्सो एज एंड कैपिटेबलबिलिटी तो पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ आंध्र प्रदेश फाइव ट्वेंटी सिक्स एग फाइव ट्वेंटी सिक्स एग पर एन एम पर एन एम परसन परसन आंध्र प्रदेश स्टेट्स इन दंट्री अपेलंगाना फोर सिक्स सिक्स नंबर्स तमिलनाडु टू एट्टी वन हरियाणा टू सेवेंटी एंड अनवन निकोबारिजलैंड टू सेवेंटी थ्री और पहले ऑल इंडिया ऑल इंडिया पर कैपिटा वैल्यूटी वन हंड्रेड वन ओनली वन हंड्रेड वन ओनली पर पर्सन पर पर्सन ये है और ऑल इंडिया का रेशियो देखा जाए पूरे वर्ल्ड में तो पूरे इंडिया के अंदर जो एग प्रोडक्शन की जो पर कैपिटा वैल्यूटी है वो है वन हंड्रेड वन जबकि आंध्र प्रदेश इन टॉप स्टेट्स नाउ वी स्टडी बूल प्रोडक्शंस, बूल प्रोडक्शंस एज आल्सो मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स तो इसकी हमें आजकल सर्दी का मौसम है विंटर है तो हमें बूल का तो हमेशा याद आती है सुबह से शाम तक हमारे पास शरीर पर कुछ न कुछ बुली बुलेन के जो क्लोथ्स पहनते हैं जहाँ से हमें हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के लिए तो इसका बहुत बड़ा रोल है तो बूल प्रोडक्शन द तो टोटल बूल प्रोडक्शन इन द कंट्री एज 33.61 मिलियन मिलियंस के जी ये हमारे पास बहुत कम है ये डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है बूल का प्रोडक्शन क्योंकि जो ऑनर से हमारे जो राजस्थान है मेजर स्टेट्स हैं जो सीप का प्रोडक्शन करते हैं राजस्थान है इधर हमारा पंजाब का कुछ क्षेत्र और और हमारे जो वेस्टर्न स्टेट और नॉर्थ नॉर्थ टेम्परेट रीजन के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर ही इसका ज़्यादातर प्रोडक्शन uh, किया जाता है रेयरिंग की जाती है सीप की तो द बुल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाई फर्स्ट टाइम इंक्रीज हो रहा है टू पॉइंट वन टू परसेंट एज कंपेयर टू तो प्रीवियस ईयर कई तो लगभग पूरे इस पूरे प्लान में अगर दो हजार दो हज़ार बारह से देखते हैं तो ये हर साल इसका प्रोडक्शन घटता आ रहा है लेकिन फर्स्ट टाइम इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री में बुल का बुल प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ है ओनली टू पॉइंट वन टू परसेंट प्रोडक्शन ऑफ वूल ऑल ऑफ इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर तो, तो यह सोलह सत्रह से ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ है लगातार यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज होता चला गया है यहाँ थोड़ा सा यहाँ बढ़ा हुआ था बीस इक्कीस में उसके बाद फिर ये डिक्रीज हुआ काफ़ी लेकिन दोबारा से टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री में यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ग्रोथ रेट बढ़ी है इसकी ग्रोथ रेट ठीक है इसकी टू पॉइंट टू वन परसेंट है बट फ्रॉम ईयर ईयरस भूल प्रोडक्शन इज डिक्रीज यहाँ से देखते हैं तो कि पूरा यहाँ पर डिक्रीज ग्रोथ रेट एज की कम हुई थी लेकिन इस वर्ष करंट ईयर में इसका प्रोडक्शन बढ़ा है ज वाई शेयर एंड बुल प्रोडक्शन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री एस्पीसी रैम 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 ऑल्सो इज मेल रैम इज कॉल्ड मेल मेल सीप फीमेल सीप फीमेल इज लैम द ऑफ स्प्रिंग ऑफ सिंक ऑफ स्प्रिंग तो जो मेल सीप प्रोड्यूस 13.92 पॉइंट परसेंट लेम इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ सीप 13.91 परसेंट एंड ईव 72.17 परसेंट इज द ईव्स मीन्स फीमेल सीप ठीक तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है इसके अलावा हमारे पास जो मैन फिजर है जैसे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बुल का होता है वो राजस्थान से हो रहा है। एनुअल ग्रेटर और बुल प्रोडक्शंस यह देख कैन सी डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज और यह इंक्रीज 2.12 परसेंट ओनली इज अ इंक्रीज रेट हीर इंक्रीज आल्सो कैन सी यह यह देख रहे हैं कि यहाँ पर दो या सोलह सत्रह से लगातार ये इसकी जो ग्रोथ रेट थी जो माइनस में जा रही थी यार जो माइनस 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 एंड माइनस लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्लस में हुआ था उसके बाद फिर माइनस में सबसे ज़्यादा जो माइनस में ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है वो इक्कीस बाईस में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू है माइनस टेन पॉइंट एट सेवन परसेंट यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो डिक्रीज हुई थी वो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू में हुई है आफ्टर दैट और सो इन इनक्रीज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू पॉइंट वन टू परसेंट यहाँ एनअल ग्रोथ रोट ऑफ फिफ्टी मेजर बुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तो अरुणा अरुणाचल प्रदेश राजस्थान झारखंड देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में आ जाता है तो अरुणाचल प्रदेश हाइएस्ट बूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हुई है अरुणाचल प्रदेश में हुई है राजस्थान में सिक्स पॉइंट ज़ीरो सिक्स परसेंट ऑल ओवर इंडिया में टू पॉइंट वन टू परसेंट ये इन परसेंटेज डेटा तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हो रही है बूल की तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में हुई है इन प्रजेंट एंड राजस्थान में ऑल्सो सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट एंड ऑल इंडिया टू पॉइंट वन टू परसेंट परसेंटेज शेयर ऑफ बूल प्रोडक्श प्रोडक्शन इन फिफ्टीन सेलेक्टेड स्टेट तो राजस्थान टॉप मोस्ट स्टेट्स एज बूल प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा बूल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो राजस्थान से हो रहा है फोटी सेवन पॉइंट नाइन एट परसेंट सबसे ज़्यादा बूल प्रोडक्शन का शेयर है राजस्थान से अब तो जम्मू कश्मीर दैट गुजरात एंड महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश तो सबसे ज़्यादा जो बूल प्रोड्यूसिंग प्लेस पर आता है भूल प्रोडक्शन में वो आता है राजस्थान भूल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एटीन टू 2023, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बूल थ्रू आउट द ईयर्स पीरियड एटीन टू नाइन ट्वेंटी हम देख रहे हैं कि दो से लेकर 2023 तक तो राजस्थान लगातार वूल प्रोडक्शन में हाईएस्ट प्लेस पर आता है राजस्थान ऑल्सो दो हज़ार अठारह उन्नीस दो हज़ार एटीन नाइनटीन में भी राजस्थानी टॉप प्लेस नाइनटीन ट्वेंटी में भी राजस्थान टॉप प्लेस नाइनटीन और ट्वेंटी में भी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री कैन सी ट्वेंटी थ्री में ऑल्स राजस्थान मोस्ट स्टेट्स है जहां पर मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है सॉरी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि हमने नाम सुना है पश्मीना बूल पश्मीना बूल प्रोड्यूस किससे होती है मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि ये शॉल है या जो क्लोथ्स हैं ये पश्मीना शॉल बनी हुई है पश्मीना बुल की बनी हुई है तो पश्मीना प्रोड्यूस होती किससे है ना पश्मीना कोई सीप से प्रोड्यूस नहीं होती है भूल है लेकिन वो सीप से प्रोड्यूस नहीं होती है पश्मीना प्रोड्यूस होती है गोट से हमेशा इससे गोट से दैट तो थैंक यू अभी तक हमने जो स्टडी की थी ये पूरा ट्वेंट लाइव स्टॉक सेंसेस से लेकर और ट्वेंटी तक का जो हमारा पीरियड था इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ कितनी पॉपुलेशन बढ़ी और करंट का जो पूरा हमने स्टडी की है इसके अंदर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू